मित्रों, क्या आप भारत में बने उस सबसे पहले मकबरे के बारे में जानते हैं? और क्या आप यह भी जानते हैं कि भारत में बना ये सबसे पहला मकबरा एक शिव मंदिर को तोड़कर बनाया गया था? जी हाँ मित्रों, भारत में इस्लामिक आक्रांताओं की ओर से बनाए गए पहले मकबरे सुल्तानगढ़ी का असल इतिहास आप सबको जानना चाहिए। इसके पूरे परिसर में मौजूद दीवार के एक एक पत्थर इसके इस्लामिक काल से पहले हिंदू मंदिर होने के पुख्ता सबूत दे रहे हैं। इसका निर्माण वर्ष 1231 में इस्लामिक आक्रांता इल्तुतमिश ने करवाया था और सुल्तानगढ़ी के इस मकबरे में इल्तुतमिश के तीनों बेटों की कब्र भी है। सुल्तानगढ़ी के परिसर में फिरोज शाह तुगलक की ओर से बनवाई गई मस्जिद भी है और मुगल काल में बनी इमारतों के अवशेष भी। मित्रों, सुल्तानगढ़ी का बस इतना ही इतिहास इतिहासकारों ने हमें और आपको बताया था, लेकिन अब समय है आपको इस सुल्तानगढ़ी का पूरा इतिहास जानने का। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रवि शर्मा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तथ्य। मित्रों, दिल्ली में कुतुब मीनार से केवल 6.4 किलोमीटर दूर भारत में बने पहले इस्लामिक मकबरे सुल्तानगढ़ी का पुरातत्व इतिहास दफन है। यह मकबरा पहले कभी शिव मंदिर था। उस शिव मंदिर के अवशेष आज भी वहां बिखरे पड़े हैं। जिस गोरी पट्टे पर कभी शिवलिंग विराजमान था उसका भी बुरा हाल है। मकबरे की दीवारों से लेकर 75 वर्ष पुरानी ESI की रिपोर्ट इस मकबरे के हिंदू मंदिर होने की गवाही दे रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की आजादी से पहले जनवरी 1947 की यह रिपोर्ट है, जिसका नाम है एंशियंट इंडिया, और इसमें भारत के इस सबसे पुराने मकबरे सुल्तानगढ़ी के पूरे परिसर का सर्वेक्षण करने ASI के आर्कियोलॉजिस्ट शाह नकवी की रिपोर्ट है। मित्रों, अपनी रिपोर्ट के पहले पन्ने पर ही शाह नकवी बताते हैं कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जिसे इस्लामिक शासक इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे नसरुद्दीन मोहम्मद की याद में बनवाया था, उसका निर्माण ध्वस्त किए गए हिंदू मंदिरों के अवशेषों से हुआ था। इस रिपोर्ट के तीसरे पन्ने पर शाह नकवी बताते हैं कि सुल्तानगढ़ी के मकबरे का वो हिस्सा जिसका निर्माण तुर्क वंश के शासकों ने किया था, उन्होंने हिंदू कलाकृतियों का इस्तेमाल करके निर्माण को मुस्लिम लुक दिया था, जिसकी गवाही आर्क से लेकर गुंबद तक दे रहे हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट के चौथे पन्ने पर शाह नकवी लिखते हैं कि मकबरे के गुंबद से लेकर खंभों तक में हिंदू मंदिरों की कलाकृति साफ दिख रही है और परिसर में मौजूद गोरी पट्टा जिस पर शिवलिंग को स्थापित किया जाता है वो भी इसके प्राचीन हिंदू मंदिर होने की गवाही दे रहा है, जो भारत में इस्लामिक राज आने से पहले से ही मौजूद था। मित्रों, सुल्तानगढ़ी के मकबरे के परिसर में प्रवेश करते ही ऐसा लगेगा जैसे आप किसी प्राचीन हिंदू मंदिर में आ गए हैं। परिसर में मौजूद दीवारों के पत्थरों और खंभों पर हिंदू शिल्प कृतियां आपको दिखने लगेगी। कमल के फूल की आकृति, हिंदू मंदिरों की आकृतियां आपको साफ साफ दिखेगी। परिसर के एक हिस्से पर अरबी या फारसी लिपि में कुछ लिखा हुआ जरूर दिखेगा, लेकिन यह पूरे परिसर से बिल्कुल अलग थलग है। और जैसा कि ASI ने 1947 की अपनी रिपोर्ट में भी बताया था, सुल्तानगढ़ी के परिसर में सफेद मार्बल से बना एक निर्माण है, जिसके नीचे सीढ़ियों से जाने पर तीन कब्रें दिखती हैं। इन तीन कब्रों में से एक कब्र इल्तुतमिश के बड़े बेटे नसरुद्दीन मोहम्मद की है, जिसके मकबरे के निर्माण के लिए इस्लामिक आक्रांता इल्तुतमिश ने पूरे मंदिर को तोड़ दिया था। बाकी की दो कब्रें उसके अन्य दो बेटों की हैं। मकबरे का जो भाग ऊपर परिसर की ओर है उसमें तो इस्लामिक निर्माण दिखेगा, लेकिन अंदर के भाग में जहां कब्र मौजूद है वहां साफ साफ नजर आएगा कि ये कभी हिंदू मंदिर ही हुआ करता था। सुल्तानगढ़ी के परिसर में ASI ने 1947 के अपने सर्वेक्षण में गोरी पट्टे का जिक्र किया था, जिस पर इस्लामिक आक्रांताओं की गंदी नजर पड़ने से पहले शिवलिंग स्थापित था। आज यहां शिवलिंग तो स्थापित नहीं है, लेकिन गंदगी जरूर विराजमान है। गंदा बदबूदार पानी पूरे गोरी पट्टे में भरा हुआ है। मित्रों, इस्लामिक आक्रांताओं ने भारत में जो अपना पहला मकबरा बनवाया था उसका गुंबद तक हिंदू मंदिरों की तरह ही है। ASI ने 75 वर्ष पुरानी अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि ये गुंबद हिंदू मंदिरों के ही हैं, जिसमें कुछ छेड़छाड़ करके इसे इस्लामिक निर्माण घोषित कर दिया गया। सुल्तानगढ़ी का परिसर 62 एकड़ तक फैला हुआ है और यहाँ मकबरे से 250 मीटर दूर एक मस्जिद है, जिसका नाम फिरोज शाह मस्जिद है और इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। यहाँ कुछ लोगों ने वैसे ही कब्जा किया हुआ है जैसे कभी इन आक्रांताओं ने भारत पर किया था। मित्रों, भारत में इस्लामिक आक्रांता जब आए थे तब इन्हें अपने धार्मिक निर्माण करने की इतनी जल्दी थी कि इन्होंने सिर्फ जोड़ तोड़ किया, मंदिरों को तोड़कर उनके ही मलबे को जगह जगह जोड़ दिया ताकि इमारत उनकी हो जाए, और हिंदू इन निर्माण को देखकर खुद को इस्लामिक साम्राज्य का गुलाम मानने लगे। लेकिन इन इस्लामिक इमारतों की दीवारें चीख चीख कर अपना पुरातात्व इतिहास बता रही है।
मित्रों, इस समय पूरे विश्व में भारत के ही कुछ जयचंदों की ओर से तस्वीर पेश की जा रही है कि भारत में मुसलमानों का दमन किया जा रहा है, जानबूझकर उनकी धार्मिक भावनाएं आहत की जा रही हैं। भारत का हिंदू ऐसा ही सुनू हो चुका है, लेकिन क्या यह सच है? इसी वर्ष में भारत में हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक पथराव हुए, तो क्या वह हिंदुओं का जानबूझकर दमन नहीं था? हिंदू जरूर संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन आज भी भारत में पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान तक उनकी धार्मिक यात्राओं पर पथराव किया जाता है। और अब बात यहाँ तक आ पहुँची है कि बेकसूर हिंदुओं का बेदर्दी से गला काटा जा रहा है, और ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को फव्वारा बताकर उनकी धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया जाता है। मित्रों, भारत में हिंदुओं की भावनाओं का अपमान करना कोई आज का फैशन नहीं है, यह परंपरा तो 1000 वर्षों से लगातार चली आ रही है। आज सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जाता है, वहीं 1000 साल पहले इस्लामिक आक्रांताओं के राज में मंदिरों को ही तोड़कर इन मंदिरों का इस्लामीकरण कर दिया गया था। जिस तरह से आज भारत के बुद्धिजीवी हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के अपमान और शोभा यात्राओं पर पथराव पर चुप्पी साध लेते हैं, वैसे ही इतिहासकारों ने मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त करने के इतिहास को वर्षों तक बंद रखा और भारतीयों को जानने नहीं दिया। लेकिन अब यह नया भारत है जिसको पूरा हक है असल इतिहास जानने का भी और समझने का भी। मित्रों, आपका इस वीडियो और इन तथ्यों के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों में शेयर करें, और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।